मैंने ब्लॉगर को ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये ऐड चला है और यहाँ पे मैंने इसको भी हाइड कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये आपने ऐड किस तरह लगाने हैं और पोस्ट के अंदर किस तरह ऐड लगाने हैं और यहाँ पे साइड बार पर ये मेरा एक ऐड चल रहा है अभी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे किस तरह ऐड लगाने हैं सारे ए टू जी मैं बताऊंगा। अगर आपको पोस्ट के अंदर यहाँ पे मैं अभी आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, ये भी ऐड चला है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी पोस्ट में ओपन करता हूँ तो अगर इसके अंदर आपका ऐड नहीं शो होता तो क्यों नहीं शो होता? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये मेरा एक ऐड शो हो रहा है। बाज़ुकात क्या होता है कि लोगों के ऐड जो शो नहीं होते वो ऐड बड़े लगा देते हैं या किस साइज के लगाने हैं, सब कुछ मैं ए टू जी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ज्यादातर मसला यही आता है कि लोग ऐड तो लगा लेते हैं लेकिन वो शो नहीं होता, और आपने किस साइज के लगाने हैं सब कुछ ए टू जी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पपंडर ऐड और सोशल बार पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे आप आके देख लेना ये वाला पार्ट। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेरा कोर्स एक दफा देख लेना है, इसमें मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप हाई सीपीएम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपने एड्स किस तरह लगाने हैं। तो अभी मैं ब्लॉगर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरी ये इतनी ट्रैफिक आ रही है। अगर आप एक महीना हो गए आपको एक दो व्यूज आ रहे हैं तो आप इंस्टेंट व्यूज किस तरह ले सकते हैं आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं लेआउट में जाता हूं, लेआउट में जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी इसमें आने के बाद मैं अभी आपको ब्लॉगर भी आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने ओपन कर लिया है, तो यहां पे लोडिंग हो रही है। एक दफा लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक आपको ऐड शो हो रहा है, ये आपने किस तरह लगाना है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एडिट पे आना है, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ये ऐड, और इसको आपने एडिट करना है। इसको जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 728 और 90, ये वाला जो ऐड है आपने अपने यहाँ पे एडस्टेरा में आने के बाद यहाँ पे अभी कोड आ रहे हैं, तो कोड आने के बाद यहाँ पे ये वाला आपने ऐड लगाना है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करके तो उसमें आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है और ये वाला ऐड आपने किस तरह लगाना है। आपने क्या करना है कि 250 वाला जो ऐड है आपने ये वाला लगाना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है, ये फर्स्ट वाला जो ऐड है इसको मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पे आप एक दफा साइज वगैरह देख लेना, तो इसको आपने कॉपी करके तो वहां पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसमें आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी आपने सेव कर देना है और यहाँ पे फिर वही आपने पेस्ट करना है। यहाँ पे जो यहाँ पे लगाया है वही आपने कॉपी करके इसमें लगा देना है, ठीक है, नीचे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे भी ऐड चलेगा और यहाँ पे नीचे भी चलेगा, ठीक है, ये दो ऐड चलेंगे फिर। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे ये तीन जो ऐड चल रहे हैं ये आपने किस तरह लगाने हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे नीचे आना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे तीन आपने ऐड कर लेने हैं, जावास्क्रिप्ट आपने तीन ऐड कर लेने हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने एडिट पे करना है क्लिक, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देखेंगे 320 और 50 वाला जो ऐड है आपने इसमें लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये सबसे छोटा ऐड है तो इसको आपने क्या करना है कि कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपके इस तरह तीन ऐड चलेंगे, ठीक है। सारे ऐड लगाने के बाद आपने एक दफा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पोस्ट के अंदर किस तरह ऐड लगाना है, तो यहाँ पे देखेंगे। अभी मैं अपनी पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपके सामने न्यू पोस्ट बनाऊंगा और ऐड भी लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी एक मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे ऐड चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर आना है, यहाँ पे पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैंने न्यू पोस्ट एक क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अभी इसको मैं करता हूँ कॉपी। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, बैक आ जाऊंगा। बैक जाने के बाद यहाँ पे अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक की है, ठीक है। आपने जोन सी पोस्ट में लगाना हो आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। अभी आपने क्या करना है कि फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ऐड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये आप एक दफा ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी स्पेस कम होगी तो आपके ऐड नहीं शो होंगे, ठीक है। ये मसला आ रहा है, काफी लोगों को आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे
आपने 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये 5 क्योंकि इतनी जगह पर ये एड चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दूसरे नंबर पर आकर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक 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 दफा काफी दफा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे HTML पे जाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि कंट्रोल F, यहाँ पे अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे ये सर्च बार जो आपको नजर आ रहा है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे काम करते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे फाइंड, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो वहाँ पे पेस्ट किया था तो यहाँ पे एक एक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इसको आपने क्या करना है कि डबल क्लिक करना है, या फिर अगर मोबाइल पे आप काम करते हैं तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इतने को, और आपने क्या करना है यहाँ पे इधर आना है। इधर आने के बाद आपने ये वाला जो बैनर वाला ऐड है ना, इसको आपने यहाँ पे 4x1 कर लेना है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने अभी कॉपी कर लिया है तो इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं अभी इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके 5 या 10 मिनट बाद आपके जो एड जो है शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अभी फिलहाल एड शो नहीं होगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पे मैं अभी इसको इस तरह कर लेता हूँ, तो इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद बैक जाता हूँ तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो मैंने इसमें कोई टाइटल वगैरह नहीं दिया था तो मैंने अभी 1 मिनट वेट कर लिया है। तो वेट करने के बाद यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि अभी पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। ठीक है, रिफ्रेश अभी मैं करूंगा तो यहाँ पे एक पोस्ट आ जाएगी जो मैंने न्यू बनाई थी। तो अभी मैं रिफ्रेश पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे एक पोस्ट आ चुकी है। इस पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी मैं ओपन भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे एड लगाया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस आपको नजर आ रही है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ज्यादा अगर स्पेस आपको नजर आए तो आपने इस पे आना है, यहाँ पे 1, 2 और 3 ठीक है, इसको आपने बैक कर देना है। ठीक है, 3 दफा। तो फिर अपडेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये सिर्फ एड चलेगा और फिर डिस्क्रिप्शन आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।